हाय फ्रेंड्स, नाइक्स किचन में आप सभी का स्वागत है। आज का रेसिपी शेजवान चिकन। थोड़ा सा दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा सॉल्ट में मैरिनेट किया हुआ चिकन लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून पेपर पाउडर, 2 स्पून वाइट विनेगर और 2 स्पून सोया सॉस। ये जो चिकन है ना, हमने 1 घंटे पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून मैदा और 1 एग। एक टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रखा है और इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल हीट होते ही सब चिकन पीसेस को डीप फ्राई कर लेना चाहिए। मीडियम फ्लेम के ऊपर एक कढ़ाई रख दिया है और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। और अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन और एक बारीक कटा हुआ अनियन। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेनी चाहिए। प्याज हल्का सा ब्राउन होते ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शेजवान चटनी। और 1 टेबलस्पून सोया सॉस। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। अब हम इसमें डालेंगे 1 स्पून वाइट विनेगर और हल्का सा शक्कर और कॉर्नफ्लोर स्लरी। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के कॉर्नफ्लोर स्लरी बना के लिया है। अभी हम इस स्लरी को ऐड कर देंगे। फ्राई करके रखा हुआ सभी चिकन को अब इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गर्मा गर्म शेजवान चिकन तैयार है।